Again, and for today's video I have for you another swatch and review of a new brand. Now when I say new, what I mean is that I have never reviewed this particular brand on my channel before. This is the first time. Otherwise this brand has been around for a while, okay? And the one I'm talking about is Prosh Beauty. Now formerly it was known as Plume. So Plume के बारे में तुम लोगों ने सुना होगा. तो it's the same brand. They have rebranded it as Prosh Beauty. Now they very kindly sent me all of their 3 nail polish kits and I'm gonna be swatching and reviewing them for you guys today. Talking about the kits, they have 3 kits in total. मैं सबके close-ups नाम के साथ डाल दूंगी. Don't worry about that. Each kit contains like 4 color polishes and 1 top coat. The one I'm holding currently is the Popping Gang. और इसमें ना डस्टी पेस्टल म्यूटेड शेड्स हैं और एक टॉप कोट है विच इज अ ग्लॉसी टॉप कोट. द नेक्स्ट वन आई हैव हियर इज द पेस्टल एडिट. इसमें सारे जो हैं वो न्यूडिश कलर्स ही हैं और एक टॉप कोट एज आई मेंशन्ड बिफोर. सो दीज आर लाइक मोस्टली ब्राउन्स एंड न्यूड पिंक्स. एंड द लास्ट किट आई हैव इज हॉट लाइन ब्लिंक्स. इसमें 2 शेड्स जो हैं वो क्रेम्स हैं, पिंक और ऑरेंज, और बाकी जो 2 शेड्स हैं दीज आर मेटालिक्स. एक गोल्ड में है, एक थोड़ा सा कॉपरी सिल्वर में है, एंड अगेन उसके साथ भी एक टॉप कोट है, ग्लॉसी टॉप कोट. तो गाइज ये तो बात हुई सारे किट्स की. मैं इनकी प्राइसिंग, अवेलेबिलिटी, क्वालिटी के बारे में एंड में बात करूंगी. अभी यू गो वॉच द स्वाचेज ऑफ ऑल द 12 शेड्स. रही बात टॉप कोट की तो स्टे ट्यून्ड फॉर द वीडियो फॉर टॉप कोट रिव्यूज. इन दैट यू विल सी व्हाट आई थिंक अबाउट द टॉप कोट फ्रॉम Prosh Beauty. बट अभी के लिए गो हैड वॉच द स्वाचेज.
गाइज दीज वर द स्वाचेस ऑफ ऑल द 12 शेड्स फ्रॉम द 3 किड्स. बाकी जो 3 टॉप कोट्स हैं वो सेम टॉप कोट हैं, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो उसको मैं सेपरेटली रिव्यू करूंगी. स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. नाउ टॉकिंग अबाउट द प्राइसिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर किट, द होल किट लाइक रिटेल्स फॉर 399 रुपीज एंड यू गेट 5 ml का बॉटल्स, 4 कलर, 1 टॉप कोट. सब 5 ml की छोटी छोटी बॉटल्स हैं. टॉकिंग अबाउट द ब्रश ऑफ दीज पॉलिशेज, ओ माई गॉड, आई एम रियली हैप्पी कि दे हैव नॉट लाइक कट डाउन ऑन द क्वालिटी ऑफ द ब्रश. क्योंकि कई बार मैंने नोटिस किया है कि जो छोटी बॉटल्स होती है ना 5 ml की, उसमें कंपनीज ब्रश क्वालिटी पे इतना ध्यान नहीं देती, वो प्लास्टिकी सा ब्रश डाल देती हैं उसके अंदर. बट द ब्रश क्वालिटी ऑफ दीज वंस इज ऑसम, लाइक आई रियली लव्ड इट. इट्स नॉट टू वाइड बट इट्स प्रिटी वाइड विद अ स्ट्रेट कट, सो आई एम रियली हैप्पी अबाउट दैट. प्लस इट हैज ब्लैक ब्रिसल्स. दीज किट्स आर इजिली अवेलेबल ऑन देयर ऑफिशियल वेबसाइट. मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी इन केस यू वॉन्ट टू चेक देम आउट एंड बाय देम फॉर योर सेल्फ. नाउ टॉकिंग अबाउट द क्लेम्स ऑफ दीज पॉलिशेज, दे आर लाइक पैराबिन फ्री, 100% वीगन एंड क्रुएल्टी फ्री, विच आई एम रियली हैप्पी अबाउट. अ फ्यू अदर क्लेम्स दैट दे मेक आर दैट द पॉलिशेज आर रिच इन पिगमेंटेशन, दे आर क्विक ड्राई, चिप रेजिस्टेंट एंड लॉन्ग वियरिंग फॉर्मूला. Now, if you know me, you would know कि I change my nail polish almost every single day. So, मैं long wear का तो नहीं बता सकती, but these polishes are definitely quick dry. When I was swatching them, they were drying on my nails while I was applying them. So, you don't have much of a working time. You have to work really quickly with these polishes. क्योंकि otherwise on में वो self-leveling वाली बात खत्म हो जाती है and they get bumpy. So, work quickly with these polishes. Okay, talking about my favorite now. Now, I'm gonna be choosing one kit out of all the 3, and that is this one, Hotline Bling. I really love this entire kit, especially because of the metallic shades over here. These are 1/4 almost, and if you know anything about me, you would know that I love full coverage glitters or metallics, right? Especially this color, Rose Wine, is my absolute favorite. It looks so pretty on your nails, like wedding appropriate, or वेडिंग सीजन चल भी रहा है, थोड़ा सा पार्टी सीजन भी चल रहा है. सो यू कैन डेफिनेटली चेक आउट दिस पर्टिकुलर किट इफ़ यू आर इनटू ग्लिटर्स, मेटालिक्स एंड शिमर्स. ये थोड़े टेक्सचर के साथ ड्राई होते हैं, विच आई रियली रियली लाइक. आई एम गोना बी क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ नेल आर्ट्स यूजिंग दीज मेटालिक शेड्स ओवर हियर, एंड दस दिस हॉटलाइन ब्लिंक्स इज माई फेवरेट किट आउट ऑफ ऑल 3. सो येस गाइज, दिस वॉज द इंटायर स्वॉच एंड रिव्यू ऑफ दीज पॉलिश किट्स बाय प्रॉश ब्यूटी. द ओनली थिंग आई कैन से कि आई वुड लव टू सी अ लिटिल बिट more color range when it comes to their nail polishes. Otherwise, I like all the kits. Maybe you will see a lot of nail arts on my Instagram. If you don't follow me there, go follow me there, okay? You'll see a lot of nail arts there using these kits. I'll make sure to feature these somewhere on my page. And let me know in the comments down below which of the 3 kits is your favorite. If you have tried any, what is your experience and what do you think about these polishes? I would love to hear from you. Plus, yeah, if you like this particular video and you want me to continue making swatch and review videos for you, then do give this particular video a big fat thumbs up. Subscribe to my channel, it's absolutely free, and don't forget to ring the bell icon beside it. Plus, as I always say, stay safe, be kind to the animals around you, keep yourself hydrated, and I'll catch you in my next one. Bye bye.